Hello students, welcome back to your science class. Okay, so in the last video, I just told you that what are the simplest forms into which the three kinds of nutrients, that's carbohydrates, proteins and fats, are broken down inside the body and in order to get absorbed by the body, right? Okay, so I hope it was clear to you. Okay, now I'll be telling you, first of all, when we chew the food, okay, and it becomes moist due to the saliva, and it becomes the food particles get broken down, okay, by the action of teeth, okay, so they become very soft and chewy, okay, they become very soft and chewy, and the thing that we swallow, okay, that food particle or that moistened, it's like a ball basically, okay, it turns into a moist ball of food. मतलब बिल्कुल ही जैसे moist जो होता है, जैसे गीला और बिल्कुल you know नरम सा, okay, moist ball of food, food bite कह लो या food कह लो, okay, and that is what we swallow, okay. सो जो हम स्वॉलो करते हैं उसको हम बोलते हैं बोलस. ये मॉइस्ट बॉल ऑफ फूड जो होता है, द मॉइस्ट बॉल ऑफ फूड, ओके, इट्स कॉल्ड बोलस. सो वंस इट कम्स डाउन अलोंग योर फूड पाइप. अब द क्वेश्चन इज हाउ डज इट कम डाउन अलोंग योर फूड पाइप. सो व्हेन यू स्वॉलो इट, ओके, देन फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपका ये माउथ है, सपोज दिस इज योर बकल कैविटी, ओके, एंड फ्रॉम हेयर द फूड पाइप हैज बिगन, ओके, दिस इज योर फूड पाइप एंड हेयर इज योर स्टमक, ओके, दिस इज योर स्टमक, सो दिस इज योर फूड पाइप और ईसोफेगस, सो okay, so this is your food pipe and this is your mouth. So suppose this is your food particle. As you can see in your textbook also, the pictures that I will send, okay, you will see that the food particle, this is your food particle for example. So the place where the food particle is there, that place is a little bit swelled up and the rest is in a single line. Then this is another food particle, so this part will be swelled up. मतलब ये है जहाँ पर food, जैसे होता है ना कि अगर कोई पतली सी tube या pipe के अंदर से, जो कि flexible है, ठीक है, flexible मतलब rubber की जैसे pipe होती है, you can जैसे वो दब भी जाती है फिर वो फूल भी सकती है, ठीक है, so फूल वो फूल भी सकती है और वो दब भी जाती है, तो it's like flexible, ठीक है, इलास्टिक कह लो, इलास्टिक या फ्लेक्सिबल कह लो, ठीक है. सो वैसे ही आपकी जो फूड पाइप है, ओके, व्हेन द फूड, व्हेन द बोलस एंटर्स योर फूड पाइप, ओके, सो द प्लेस वेयर, जैसे यहाँ से आ रहा है, ठीक है, फूड पार्टिकल आ रहे हैं यहाँ से, तो इस जिस जगह पे फूड, ये सपोज फूड पार्टिकल है, ठीक है, ये पूरी पाइप है, और मैं जिस जिस जगह पे थोड़ा सा आपको ये मोटा मोटा सा दिख रहा है, मतलब इससे पास होके फिर जैसे यहाँ पहुँचेगा तो ये पार्ट फूल जाएगा थोड़ा सा और ये पार्ट नॉर्मल पे आ जाएगा दोबारा से, ठीक है, फिर ये जब यहाँ पहुँचेगा तो ये पार्ट हल्का सा फूल जाएगा, फिर जब यहाँ पहुँचेगा तो ये फूल जाएगा और ये जो पीछे वाला है नॉर्मल हो जाएगा, ये पतला दोबारा हो जाएगा, तो इट्स लाइक इलास्टिक, ये मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब ये ऐसे एक्सपैंड होता है, एक्सपैंड मतलब फूलना, फिर दोबारा कॉन्ट्रैक्ट, फिर एक्सपैंड, फिर कॉन्ट्रैक्ट, इन द सेंस ये एक जैसे ना इसमें एक मोशन टाइप चलता रहता है, ओके, इट्स लाइक कि जैसे जैसे फूड नीचे जा रहा है तो योर फूड पाइप जैसे उसको अंदर धकेल रहा है, नीचे की तरफ धकेल रहा है, कोई भी चीज़ को आपको धकेलना होगा तो आप एक जगह से उसको प्रेस करोगे फिर आगे जाएगा, फिर प्रेस करोगे आगे जाएगा, प्रेस करोगे आगे जाएगा, तो ये सब कुछ जो है, देयर आर सर्टेन मसल्स, ओके, इसकी ना यहाँ पे एक साथ में से वॉल टाइप होती है, ओके, यहाँ पे ऐसे मसल्स होते हैं, ओके, दीज आर सपोज आर मसल्स, सो दीज मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट
ऑफ योर फूड पाइप, ठीक है, सो एज टू पुश द फूड डाउन इनटू योर स्टमक, ठीक है. दीज मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट या जिस तरीके से वो मतलब एक्सपैंड करती है, इन द सेंस फूलती है फिर नॉर्मल हो जाती, फूलती फिर नॉर्मल होती है, तो जो उसकी मूवमेंट है, ठीक है, तो ये मूवमेंट किससे होती है, मसल्स से होती है, जिससे कि जो फूड है इट इज़ पुश्ड डाउन इनटू द स्टमक. ओके, नेक्स्ट चीज़, एक्सक्यूज मी, एक मिनट, दूसरी चीज़ ये है कि मान लो कि अगर आपने बहुत ज़्यादा खा लिया, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा खा लिया जो आपको ठीक से मतलब हज़म नहीं हुआ, तो उस केस में क्या होगा कि उल्टी हो सकती है, ठीक है. उल्टी इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वॉमिटिंग. यस, वी ऑल नो वॉमिटिंग क्या होती है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डज वॉमिटिंग हैपन एट ऑल. इट हैपन्स व्हेन वी ओवर ईट एनीथिंग, ठीक है, व्हेन वी ओवर ईट एंड जैसे बोलते हैं बहुत भारी भारी लग रहा है हमारी, यू नो, जितनी हमारी कैपेसिटी है खाने की, जितना हमारी भूख है, अगर हम उससे ज़्यादा खा लेते हैं तो इट्स कॉल्ड ओवर ईटिंग, ठीक है. एक बार आपका पेट भर गया है, यू शुड स्टॉप ईटिंग. ओके, इट्स नॉट दैट आप खाते जाओ, बहुत टेस्टी है, मैं और खा लूँ, ठीक है. तो उस केस में क्या है कि आपको पता नहीं लगता लेकिन आपका पेट ज़रूरत से ज़्यादा भर जाता है, तो उसमें बहुत चांसेस होते हैं कि आपको वॉमिटिंग आ सकती है, ठीक है. तो इसलिए हमेशा उतना ही खाना चाहिए जितनी आपको भूख है. वंस यू आर सेटिस्फाइड, एक बार आपकी भूख ख़त्म हो जाती है, देन स्टॉप ईटिंग. ओके, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अच्छे से चबा कर खाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर आप चबाओगे नहीं तो वो फूड पार्टिकल्स जो माउथ में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, वो ब्रेक डाउन नहीं होंगे, वो बड़े बड़े पीसेस रहेंगे उसके फूड के, ठीक है. जितने छोटे छोटे होने चाहिए उतने छोटे छोटे नहीं होंगे, तो जो बड़े बड़े पीसेस होंगे बॉडी उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगी, ठीक है. बॉडी कैन एक्सेप्ट फूड और बॉडी कैन एक्सेप्ट बोलस, ठीक है. ओनली उसका एक साइज़ होता है फूड पार्टिकल्स का, ठीक है. मान लो आपने कॉम्प्लेक्स, जो आपको बताया था कॉम्प्लेक्स फूड खाया है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है ये, तो अगर मान लो जो आपके आप जब उसको च्यू करते हो, तो च्यू करते टाइम वो ये जैसे उलझा होता है ना, ये पूरा उलझा होता है, ये थोड़ा सुलझ जाता है, कुछ हद तक सुलझ जाता है, ठीक है, कुछ हद तक सुलझ जाता है, पूरा नहीं, कुछ हद तक सुलझ जाता है, ठीक है. और मान लो अगर आपने ये कैसे सुलझ जाता है, बाय द एक्शन ऑफ योर टीथ, क्योंकि आपका टीथ उसको तोड़ते हैं बीच बीच में से, ठीक है, इसको तोड़ते हैं, तो जो जैसे मोटे मोटे जो चंक्स होते हैं, अगर आप मान लो कि आपने कॉम्प्लेक्स ऐसे अंदर ले लिया, उसको बिना तोड़े बिना अच्छे से चबाए अंदर ले लिया, तो बॉडी के अंदर और कोई चीज़ नहीं है जो कि उसको ऐसे तोड़ पाएगी, और वो एज इट इज़ आपके, वो दो चीज़ें हो सकती हैं फिर, ठीक है, या तो होगा कि वो एज इट इज़ आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा थ्रू एक्सक्रीशन, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है, या फिर अगर आपने बहुत ज़्यादा खा ली है और आपने अच्छे से चबा के नहीं खाया और बहुत ज़्यादा खा लिया, ठीक है, इन दैट केस देर आर मच मोर चांसेस ऑफ वॉमिटिंग, ठीक है, वो एज इट इज़ एक्सक्रीशन में ना निकल कर इट कैन कम आउट थ्रू योर माउथ, ठीक है. सो जो टूथ टीथ का जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि वो फूड को कुछ हद तक ब्रेक डाउन कर देता है, और बॉडी अगर उससे कम ब्रेक डाउन होगा फूड, मतलब जो टीथ अगर ठीक से आप च्यू नहीं करोगे और वो ठीक से ब्रेक डाउन नहीं होगा जितना होना चाहिए, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स रहेगा अगर, और वो बॉडी तो उसको बिल्कुल भी ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगी बॉडी के, ठीक है. तो अगर आपको जैसे वॉमिटिंग होती कैसे है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने ज़्यादा खा लिया और ठीक से च्यू करके नहीं खाया है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उसको हम उल्टी क्यों बोलते हैं, सबसे पहली बात, उल्टी का मतलब होता है उल्टा यानी ऑपोजिट, ठीक है. तो वी आर रेफरिंग टू द मूवमेंट ऑफ योर ईसोफेगस. मतलब पहले क्या हो रहा था कि आपका जो फूड है, आप जब खा रहे हो नॉर्मल कंडीशन में, तो आपका फूड ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे है, ऐसे जा रहा है, ऐसे है, राइट.
लेकिन जब आप उल्टी होती है तो ये क्या होता है, ये ऑपोजिट हो जाता है। जैसे पहले फूड आता, फिर नॉर्मल आता, फिर फूड आता, नॉर्मल आता, अब क्या हो रहा है, उल्टा मूवमेंट हो रही है। मतलब जैसे मान लो आपकी ये फूड पाइप है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे स्टमक, एक मिनट रुको, ऐसे अगर मैं बनाती हूँ, ठीक है, ये जैसे आपका ये माउथ है, आपने माउथ से लिया है, पहले ये फूला, ये नॉर्मल है, फूला, फिर थोड़ा काम ठीक हुआ, फिर फूला, ये फूले वाली जगह क्या है, फूड पार्टिकल वाली, जहाँ फूड पार्टिकल है वहाँ थोड़ा थोड़ा फूलेगा, फिर उसका ये नीचे से ये आपका स्टमक आ गया, ये ठीक है, ये स्टमक आ गया। तो क्या है, आप देख रहे हो अभी क्या हो रहा है कि जहाँ पे फूड पार्टिकल है सिर्फ वही जगह फूल रही है, बाकी नॉर्मल रह रही है। जब उल्टी होती है तो मान लो क्या है कि आपके ये स्टमक है आपका, ठीक है, इसमें आपका अनडाइजेस्टेड फूड पड़ा हुआ है, कॉम्प्लेक्स फूड पड़ा हुआ है जो कि ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, आपने ओवर ईटिंग कर ली, ये फूड पड़ा है। अब क्या है, इसको कहीं ना कहीं से बाहर निकलना है, क्योंकि यहाँ पे इसका कुछ नहीं हो सकता। ओके, बॉडी कैन नॉट ब्रेक इट डाउन, ठीक है, बॉडी को चाहिए कि जब तक उसको बोलस नहीं प्रॉपर, ठीक है, जब तक उसको इस फॉर्म में नहीं मिलेगा, ठीक है, इस फॉर्म में नहीं मिलेगा, अगर उसे इसी फॉर्म में, उलझे हुए फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिलेगा तो उसे, उसका कुछ नहीं कर सकता बॉडी, बॉडी को उसको निकालना ही निकालना है। आपको बताया था हमारे जो गट है वो एक हॉलो ओपनिंग है, हॉलो ट्यूब है, जिसकी दो ओपनिंग्स हैं, एक है माउथ, ठीक है, और जहाँ से हम खाते हैं, कोई चीज़ अंदर डालते हैं, और दूसरी ओपनिंग क्या है, एनस, ठीक है, जिससे हम बाहर निकालते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर बॉडी को बाहर निकालनी है तो वो ये दो ओपनिंग से निकाल सकती है, या तो माउथ से निकाल सकती है या फिर एनस से निकाल सकती है, ठीक है। अब ये आप ध्यान रखो कि जब आपका फूड बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है नॉर्मल, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मली डाइजेस्ट हो जाता है, तो जो वेस्ट मटेरियल, जो जितना भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है, और जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो आपके एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है, जो आपको पता है कि वो फीकल मैटर होता है, एक्सक्रेटा उसको बोलते हैं, तो वो एक्सक्रीट कर देते हो आप, ठीक है, उसको बाहर निकाल देते हो थ्रू योर एनस, ठीक है। लेकिन अगर आपका फूड स्टमक में ही पड़ा है, ठीक है, और वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो नीचे इंटेस्टाइन में, आपको मैं अभी बताऊंगी आगे जाके कि इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन होता है, ठीक है, इंटेस्टाइन से ही फूड जो है वो बॉडी एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, जो मेन एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। ओके, स्टमक में सिर्फ ब्रेकडाउन होता है फूड का, स्टमक में कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब आपको मैंने बताया कि जो अभी आगे बताऊंगी कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपकी बॉडी एक्सट्रैक्ट कर रही है। आपको मैंने याद है, आपको मैंने एक्सट्रैक्ट वर्ड बताया था पहले, ठीक है, एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना किसी चीज़ से, फूड पार्टिकल जो आपने खाए हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ब्रेक डाउन, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन होकर, ठीक है, फिर उसको बॉडी जो सिंपलर फॉर्म है उसको ऑब्जॉर्ब कर रही है, उसको अंदर ले रही है, ठीक है, उसको अपनी तरफ अंदर ले रही है, सेल्स अंदर ले रहे हैं उसको, ठीक है, वो ब्लड के अंदर जा रहे हैं, ब्लड से सेल्स के अंदर जा रहे हैं। अभी आगे और अच्छे से समझाऊंगी कैसे। ओके, सो हम आपको ये बताई थी कि मान लो अनडाइजेस्टेड जो फूड है, ठीक है, वो आपका इंटेस्टाइन तक पहुंचा ही नहीं, ठीक है, वो स्टमक में ही पड़ा हुआ है, तो अब आप ये बताओ वो कहाँ से बाहर निकलेगा, क्या वो माउथ वाली ओपनिंग से बाहर निकलेगा या वो एनस वाली ओपनिंग से निकलेगा। ऑब्वियसली वो माउथ वाली ओपनिंग से निकलेगा, बिकॉज वो एनस तक, वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुँचे, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन का ही एक पार्ट है एनस, लार्ज इंटेस्टाइन की जो एंड पार्ट है, एंड पार्ट दैट इज़ योर एनस, ठीक है, जहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकलते हैं। तो अब वो वहाँ तक पहुँचा ही नहीं, तो वो कहाँ से निकलेगा, वो एनस से तो निकलेगा ही नहीं, वो माउथ से ही निकलेगा, बिकॉज उसे वो पड़ा पड़ा अंदर सड़ता जाएगा, ठीक है, सो इट हैज़ टू कम आउट। If it will not come out, then it can produce certain toxins, यानी वो जहर बना सकता है बॉडी के अंदर, ठीक है, बॉडी को उससे नुकसान हो सकता है अगर वो एज इट इज़ पड़ा रहा तो इसलिए उसको बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए वो कौन सा पाथ चूज़ करेगा, वो चूज़ करेगा माउथ, ठीक है। अब उसको जब माउथ से बाहर निकलना है, अब कैसे निकलेगा, आपको मैंने बताया था कि जो पहले मूवमेंट हो रही है वो ऐसे हो रही है कि जो फूड पार्टिकल आ रहा है ऐसे एक्सपैंड हो रहा है, फिर ठीक हो रहा है, फिर एक्सपैंड हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो जो एंड होता है ना यहाँ पे, ये ईसोफेगस का ये एंड है, ठीक है, और ये है आपका स्टमक, यहाँ से शुरू हो जाती है।
तो जो एंड है इसोफेगस का, उसमें भी जब यहाँ फूड पार्टिकल पहुँचेगा तो ये भी थोड़ा से फूल सा जाएगा, ठीक है। ओके, अब दूसरा सिनेरियो आपको मैंने बताया कि जैसे ये आपका स्टमक है, ठीक है, आपका स्टमक है और ये आपकी आ रही है फूड पाइप, ठीक है। मान लो यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड ये पड़ा हुआ है, ठीक है, इसको ऊपर जाना है, तो ये ऐसे जाएगा कुछ यहाँ पे, पहले एक्सपैंड करेगा ये, ठीक है, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर एक्सपैंड, फिर कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे, ठीक है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो जब यहाँ तक पहुँचेगा फिर ये ऐसे बाहर निकल आएगा माउथ के थ्रू, यस। तो आपका क्या हो रहा है कि जो फूड है वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, वो जा रहा है कौन सी डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, राइट। क्योंकि नॉर्मल केस में क्या होता है, जब स्वॉलो करते हो तो नीचे से, सॉरी, ऊपर से नीचे आता है फूड, ठीक है, टूवर्ड्स द स्टमक, ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, इट इज़ गोइंग ऑपोजिट, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो इट इज़ ऑपोजिट, इसलिए इसको हम बोलते हैं उल्टा या उल्टी, ठीक है, यानी उल्टी दिशा में फूड जा रहा है, तो इट्स कॉल्ड उल्टी इन हिंदी, ठीक है, और इंग्लिश में इट्स कॉल्ड वॉमिटिंग, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आपको मैं बता दूँ, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, वन मोर थिंग, दैट मूवमेंट ऑफ ईसोफेगस यानी फूड पाइप, ठीक है, इस मूवमेंट को एक नाम दिया गया है, ये मूवमेंट आपके आपके बुक में ये मेंशन नहीं है, ठीक है, इस आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे इसको, बट स्टिल आई थॉट आई शुड टेल यू, इट्स कॉल्ड पेरिस्टेटस, एक सेकेंड, इसको पेरिस्टाल्सिस, ओके, इट्स कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस, ठीक है, पेरिस्टाल्सिस, ये मूवमेंट जो होती है, मूवमेंट ऑफ ईसोफेगस, यानी इसका मतलब फूलना, फिर नीचे होना, फिर फूलना, फिर नॉर्मल होना, फूलना, नॉर्मल होना, है ना, इसकी जो ये मूवमेंट होती है किससे होती है, मसल से होती है, राइट, उसके वॉल पे होते हैं मसल्स, ओके, दे हेल्प इन दिस मूवमेंट एंड दिस मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस, ओके। अभी दिस दैट्स ऑल फॉर दिस इन दिस वीडियो, थैंक यू।